आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर हिंदी दिवस है ना। आज के दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं बच्चों, हिंदी भारत की ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हिंदी भाषा विभिन्न धर्मों और उसके अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण रही है। साथ ही साथ अपनी रचना के माध्यम से समाज में भाईचारा और मेलजोल को भी हिंदी ने ही आगे बढ़ाया है। इनमें मध्यकालीन कवियों का बड़ा योगदान गिनाया जा सकता है। कई कवि ऐसे हैं जिन्होंने भाषा के माध्यम से लोगों को भाईचारे का पाठ पढ़ाया। अब हम जब हिंदी भाषा की बात करते हैं बच्चों, तो क्या हम जानते हैं, आप जानते हैं बच्चों कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है ना। आज हम वही समझेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। कभी सवाल उठते होंगे कि हिंदुस्तान में आखिर हिंदी भाषा आई कहां से, हिंदी भाषा क्या है, कैसे बनी हमारे देश की हिंदी राष्ट्रभाषा, शायद नहीं जानते होंगे। चलिए आज इसी पर हम लोग बात करते हैं। इतिहास के हिसाब से हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुरानी है। हिंदी भाषा की शुरुआत करीबन 1000 ईसा में की गई थी। करीबन 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच हिंदी भाषा का सिर्फ बोलबाल, जिसमें बोलचाल की शुरुआत कहना कहते हैं, सिर्फ वो ही शुरू हुआ था। करीब 1500 ईस्वी तक लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह से और साफ तरह से बोल लेते थे। 1450 ईस्वी के करीब साहित्य सर्जन भी होता था। अब बच्चों ये सवाल उठता है कि साहित्य सर्जन क्या है, यानी कि हिंदी भाषा में जो दोहे होते हैं, छंद है, किसी महापुरुष की गाथा का वर्णन है, ये साहित्य सर्जन है। सिर्फ इसी के लिए हिंदी भाषा का उपयोग होता था। और जब हिंदी भाषा की बात की जाती है तो हिंदी भाषा के जनक, उसके पितामह, उनको भी जैसे हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, हिंदी भाषा के जनक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी बात ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत मूड के मूल। उपरोक्त दोहे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। कहने को तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। ये भाषा दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक, जिनमें वेदों की रचना हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा गया है ना, और बाकी में लौकिक संस्कृत से दर्शन ग्रंथ का ज्ञान आया, उसका जिक्र आता है, जिसमें कि हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत का वर्णन होता है। वैसे तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की राजभाषा भी है। केंद्रीय स्तर पर भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा वैसे तो बच्चों अंग्रेजी है ना। हिंदी की अनेक लिपियां भी हैं, बोलियां भी हैं। वैसे तो हमने सिर्फ एक देवनागरी बोली सुनी है, लिपि सुनी है। हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों में बोली जाती है, जिनको क्षेत्रीय बोली कहते हैं, है ना। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो उर्दू बोलते हैं, उसका मूल रूप क्या है, उसका मूल रूप बेटा हिंदी ही है।
हिंदी भारत में संपर्क भाषा का काम करती है और कुछ हद तक पूरे भारत में आम तौर पर एक सरल रूप में समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी का कभी कभी नौ भारतीय राजाओं के संदर्भ में भी उपयोग किया जाता है जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है और हिंदी भाषी बहुमत है, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई और राज्य हैं जहां पर हिंदी मूल रूप से बोली जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी ने अपने योगदान से ही समाज को एक नया आयाम दिया और इस समाज को आयाम देने में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो कवियों ने किया है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा के लिए, उसके प्रेम के लिए जो बीज बोया, उसका फल वर्तमान से लेकर भविष्य तक में मिलता रहने वाला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे ही संवेदनशील कवियों के बल पर आज हिंदी साहित्य समृद्ध है, शक्तिशाली है। धन्यवाद।